हंज महाराज के सिंह विष्णु भगवान जी। आओ वीरों, भैनों, बुजुर्गों, बच्चे, विचार करिए कि अज ये विसाखी जेड़ी के 1756 तो बाद लोग किस तरह मनाते रहे ये तो वो जान, पर अज असि 56 साल हो गया 1965 तो बाद असं भी देख रहे हैं कि की चेंजिंग आई ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने यह विसाखी 1756 च बनाई, जातां पातां तोड़ गए, पंज प्यारे बनाए, गिद्दड़ा तो शेर बनाए, जुल्म का मुकाबला करने वास्ते तलवार चुक ले और जुल्म नू नाल लड़दे लड़दे कई सिंह शहीद हो गए, कई सिंह ने कुर्बानियां कर दित्तियां। वो तो परमात्मा ने बख्शिश कर दी कि गोविंद तू जुल्म नाल लड़िया, जित तेरी है, जब तू मुड़ के 250 साल बाद आवेगा तेरे सारे सिख जिहड़े सरसा चढ़ाए चमकौर च कटाए वो सारे तेरे नाल होंगे। सिर्फ तेरे ही नहीं, जिहड़े त्रेते विच द्वापर विच राम जी नाल, कृष्ण नाल, ईसा मूसा मामले वाले वो भी आ जाएंगे। ये तो बड़ी बख्शिश होई। अज वीरों खुश कौन है? अज सिर्फ सब तो ज़्यादा खुशियाँ मना रहा कलयुग, उसका पैर नहीं जमीन पर लगे था। शंकर बड़ा खुश हो गया, लाड़ी मौत, धर्मराज, चित्रगुप्त दिन रात किताबा खोल के बैठे ने, उन्हें बड़े खुश ने क्योंकि उन्होंने काम मिल गया। लाड़ी मौत तो इन्नी खुश हुई है वो कहती मैनू तो 994 चौकड़ी युग बाद इस तरह की बख्शिश हुई है, ये कलयुग की मेहरबानी है कि मेरे वास्ते काफ़ी अच्छा खाना तैयार करता है। वीरो बाकी सारा संसार रो रहा है, बुरी हालत है, पर असी अपना किता पा रहे हैं, लेखा देना पैना है। असी गुरुआ अवतारा पैगंबर साहबान की नहीं मनी, ना किसी ने ईसा जी की मनी, उन्हें रब का नाम लिया तो एनल हक उन्होंने भी फांसी ला दिता। ममन साहब की की हालत हुई मक्के तो मदीने, रामचंद्र श्री ने जंगलों में घुमा दिता, कृष्ण महाराज रोज दौड़ता रहा कौरुआ पांडुआ को, फिर भी महाभारत हो गई, फिर भी 18 खूनियाँ, एक खूनी 18 लख भी पाई। उस तो बाद गुरु नानक साहब ने अपनी जुत्तियाँ कासगियाँ बगदाद तक गए लोगों को समझाने वास्ते, गुरु अर्जन देव ने अपना आप कुर्बान कर दिता ताकि धर्मों के बीच कोई इस तरह के झगड़े ना हो। गुरु गोबिंद सिंह ने अपना सारा परिवार बाल दिता, लेकिन फिर भी सिख पंथ के लोग कहेंगे उन्हें बकरे बढ़े भरावा, उसका हुक्म किन्ने मनिया है, उन्हें कितने कहदिया मद मास खाने वास्ते, उन्हें गुरु ग्रंथ साहब कितना लिखाया, उन्हें 10वें ग्रंथ से कितना लिखा दिता कि मैं मुड़ गया आवागा, और मुड़ गया आ गया उन्हें 1950 डंक बजा गया, राष्ट्रपतियों प्रधानमंत्रियों पूरी दुनिया को डंक बजाता मैं आ गया, पर किसी नहीं मनिया। संभल नगर पिंडा में लौटते, यूपी से लौटते ने, वो कह के गया कि वह परमात्मा संभल में आएगा, वो आके पिछले सारिया का पोचा मारेगा, पिछले रीत रिवाज कैंसल करेगा, जेडे पंडित भाई मुला सेखा ने जेडे तीर्थों तटों के बनाए ने ये सारियां बंद कर देगा, जेडे देखा देखी या भेख पखंड या अंध विश्वास मैं सारियां बंद करेगा। उन्हें आके बड़ा किया, उन्हें बड़ा डंक बजाया, असी नहीं मने, उन्हें बड़िया वार्निंग दित्तियां। जदों माँ बाप किसी बच्चे नू अपना बखासत करता है, उन्हें फारगति दिंदा, दुखी होकर दिंदा है, इस करके हुण परमात्मा ने गुरु पीर अवतार पैगंबर ने बोली देकर कहता भाई साढ़े बस च नहीं, बेड़े नू बन मालका, जे बनना ही पर साढ़े को नहीं हूँ बनता है माल, हूँ माड़ी वजह नाल साढ़िया करतूतों की वजह नाल गुरुआ अवतारा पैगंबर साहबाना देशियां हो गई, उन्होंने बेचारिया ने बहुत कुछ डंक बजाया, उन्होंने साढ़े वास्ते बड़ी कुर्बानियां कीतियां, असं है नहीं मनिया, वोदिया तो नहीं मनिया, असं कालपुर परमात्मा दिया भी मनिया, वह लेखा सानू हुण भुगतना पै रहा। वीरो अज कौन खुश है? किसान जेडे कि भांगड़ा पाते हैं एक महीना पहला नचते टपते हैं, वो अज किन्ने दुखी ने, वो रह गई फसल जड़िया ने खेतों दिया खेतों में, और उन्हों की हालत खराब हो गई, ना कोई वढ़न वाला ना कटन वाला, किसान भी दुखी हो गए। अज सिख पंथ के लोग
जड़े होले बनाते हैं, बड़े नचते टपते खुशियां करते हैं कि आ चाला अज विसाखी आ गई है। बह गए सारे अंदर, दरवाजे बंद हो गए मंदिर मस्तान गुरुद्वार चर्चा के। अज भरावो इधर भी कोई खुशी का नहीं है, अज हर संगत की भी सेक लग गया है। असं भी जदों कि विसाखी होंगी ही भगत द्वारा में जा के संगतों के दर्शन करने हैं, एक दूए नाल गले मिलने हैं, भैणा ते वीर खुशियां मनाने हैं। अज असं भी घर घर बह गए, परमात्मा ने कहा हूँ सेक तुहानू भी लगना है, हूँ सानू भी सेक लगना है। जिन्ने चिर चारों तरफ बढ़ गई अग लगी है दुनिया की, अगे पिछे मुल्क छड़ रहे हैं तो सेक लगता रहेगा, चाहे थोड़ा थोड़ा लगे। ये नहीं हो सकता कि वो उधर अग लगी रहे और गुआढ़ियों को सेक भी ना आवे, ये तो आना ही आना है। वीरो एक ही तरीका रह गया है, परमात्मा ने बख्शिश कर दिता, उन्हें अपना विधान बना लिया, अपना नाम दस दिता। अज भी असं जो जाग जाइए तो कम से कम सोच विचार कर लीए कि इन्ना कुछ होंगे अज किन्ने संत महात्मा ने धरती पर सारे चुप करके बैठे ने, किसी को शक्ति नहीं कि वह रब नाल बेनती कर। अज किसी की अरदास मंजूर नहीं होंगी, चाहे वह संत होवे महात्मा होवे। अज रोज़ असी भाइयों को मुल्लों को बड़ी अरदासा कराने हाँ, सरबत का भला अज हो रहा भला, वो आपे गद्दी गेड़े च पै गए हैं। वो मुला जेड़े सानू पार लैके जाना चाहते हैं बेड़िया में, उनके बंज भज गए हैं, उन्होंने मुला ने असं ही डोब दिता है। हूँ बेड़ा डुबना सारा सारियां का, क्योंकि साडा मुला ही कोई नहीं रहा। हाँ, उन्होंने बेड़ा पार होएगा जिन्हों का मुला सतगुर शब्द होएगा, जेड़ा बिना बंज मोहानियों करे पार। वो भाई उसकी तरफ आओ भज भज गए, जिन्हें आ जुगाद काल पुरख परमात्मा का पुत्र है, वो अंडर है सब कुछ। गुरु पीर अवतार पैगंबर विष्णु ब्रह्मा सारे ही सतखंड का गेट कुपर भी बदली करके रख दिता, असं अजे भी नहीं जागे। वीरो बकत है भैनों, जाग जाओ, छड दियो ये खाण पीन वाले जड़े डंगर वाला जरा जानवर वाला समान है, ये बंद कर दियो, और वही दरवाज चेंज कर दियो। ये ब्याह शादियाँ पैलसा पुलसा वाला काम बंद करो, गरीबों का वो है सफेद कपड़े पाओ, एक रुपये नाल शादियाँ होन पंज जकारियां नाल। और अज ये जड़े कोई शरीर छड़दा है तो किते जान की जरूरत नहीं, भुआ क्षेत्र वो गंगा गोदावरी जमुना वो तो आपे रो रही ने, गंगा गोदावरी जमुना सुसती खुले बाल दे दुहाई आ, ये परमात्मा साडे च कोई नहीं सत्या। नंगे रह रहे लोग नारे करन भोग बिलास, पंडित भांदे लुटेरे बने ने उत्थे, जड़ा जंदा उन्हें लुटते हैं। किसी तीर्थ तट दे हुण कुछ नहीं रहा, हूँ सिर्फ एक है जिन्हों सतगुरु नानक ने कहा वो आद सच जुगाद सच है भी सच। ये तो देख लो भाई, वो सच था सच है सच ही रहेगा, उसका कोई रूप रंग रेंग नहीं है, वो सर्वत है। वो कोई 14-16 कलां का नहीं जे, वो करोड़ों कलां का मालिक है। और उन्हों याद कर लो, उन्होंने आ गया अपना विधान बना दिता है, सारियां दे पोचा मार देगा, सारियां दे पट मार देगा। ये बन्ने बुन्ने जड़े पाए हैं छोटे छोटे गुरु पीर अवतारा ने जातों पातों के मजहबा ने, उन्हें सारे भन देने ने। हूँ सारी सृष्टि में एको नाम होएगा, एको विधान होएगा, वो भगत द्वार होंगे, वो भगत द्वार सारी सृष्टि में एक ही बनने ने। हिंदुस्तान खुश नसीब इतने दो ने, एक जेठवाल जिस तरह आ गया उन्हें बेसिक अपना सब डंक बजाया, एक सारी दुनिया का हिंदुस्तान में धीरपुर 260 सच की खुलनी किताब, उत्थे सच ही सच है। वो भगत द्वार जिते कृष्ण महाराज 21 दिन रहे, बेनती करके गए मालिक जब तू मात लोग चाहेगा तो तू आ गए इतना अपना भगत द्वार बनाई, तो संसार में कुछ ना कुछ राह मिले। वीरो इस विसाखी का उपर कि दसीए, असी इन्ने खुश नहीं रहे, किनिया खुशियां मनाते हैं। अज साढ़े भी धियां पुत्र बच्चे अलग अलग जगह बैठे ने, चाहे कोई 10 मील पर है, चाहे 100 मील पर है, चाहे 2 मील पर है, आपस में मिलाप टुट गया है। गलियां दे विच पुलिस CRP BSF घूम रही है, जिहड़ा बाहर निकला है सारा ऐसा लाकडाउन हो गया है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे लाकडाउन हो गए ने। खुश उ ही ने जिन्हों को उस परमात्मा का दिता हुआ धर्म दियां किताबां ने, वो पढ़ते ने खुशियां मनाते ने। उन्होंने तो पहले को ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मौका खुला मिल गया है, मौका खुला मिल गया तेरे प्यार का परमात्मा। ये बड़ी
वो परमात्मा ने आगे कहा मेरे नाल मिलाओ हाथ, मैं वही पुरख समर्थ जो जब जब वेश बटाया। चल चल परमेश्वर आया हर संगत तेरे दर्शन। उन्हें अपने आगे ढोल बजा दिते मेरे नाल मिलाओ हाथ, मैं वही पुरख समर्थ जो जब जब वेश बटाया। इस तरह की बड़े बड़े शब्द बोले और उन्होंने बख्शिशा कीतियां सानू समझ नहीं आई। अज भी साढ़े कोल हजारों के सामने पत्र ने जेडे कि उसने डीटरां नू प्री थ्रेड के डीटरां नू राष्ट्रपतियां नू राजेंद्र प्रसाद नू बीबी गिरी नू और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बाहर अमरीका नू इंग्लैंड नू पाकिस्तान नू ईरान इराक नू भेजे, पर सारे ही सुते रह गए। हुण बनाओ विसाखी, ये विसाखी खुशियां दी नहीं है, ये हुण रोंदे रोंदे विसाखी है। अंदरों अंदर बनाओ, पता नहीं इस विसाखी ते असीं आया अगली विसाखी ते पता नहीं किहदा नंबर लग जाना है। इहदा कोई लिमिट नहीं है, कोई पता नहीं है कि किन्नी देर तक ये चलना है। क्यों ये माल ओहदियां ओही जाने, क्योंकि वह बेपरवाह है। पार ब्रह्म तेरी अचर जमाया, ज्योत रूपी खेल खिलाया, आप या भुल सब जगत पलाया। महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान, कलयुग जीवां समझ ना आया, बेमुख जीवां समझ नहीं आया। इस तरह के बड़े महाराज प्रगट होया आप भगवान, गुरसिखा नूं दिता दान, सोहंग शब्द है महान। सिमरे जीव पाप लै जान, कुंभी नरक सिख न जान, आदि अंत प्रभ विच समान। उसने बड़िया बख्शां कीतियां, सोहंग मेरा नाम पुजान। प्रभ सच्चे लिया जग ते अवतार, तीन लोक होई जय जयकार, गुरमुखा आत्म होई उजार, सुरना रहाए प्रभ दरबार, फुल बरसावन वर्खा तार। उन्हें बड़े कुछ मेहर कीतियां। साढ़े को तो ये चंगे जड़े महीने हैं, जड़े धरती का उपर ये जड़े दरख्त है, जड़े पत्थर इट्टा भी प्रमाण कर ले। वह साढ़े को डंगर चके, उन्हें कहा ये मैं डंगर भी तार देने, जिन्होंने उन्होंने पहचान लिया, वो पक्षी भी तार देने ने। उन्हें तो बड़िया मेहर कीतियां, पर असि वीरों ढिले रह गए। वैसे तो वीरों वो किसी भी अरदास सुनता नहीं, वो परमात्मा कहता है अपनी अरदास आप करो। माँ उस बच्चे की अरदास कर सकती है जिहड़ा बोल नहीं सकता। ये जिहड़ियां अरदासां असीं लोकां कोलों कराने आ, भाइयां मुल्लां सेखां पंडित कोलों नहीं मंजूर हुंदियां। तो आओ हाथ जोड़ गए, शीश नवा गए, सारे उहदी चरणां विच बेनती करिए, हे मालिक किरपा कर, किरपा कर, किरपा कर, दया कर, मेहर कर, तरस कर। गलती असीं कर बैठे हाँ, असीं तैनूं पहचानिया नहीं है, पर फिर भी बाप बाप हुंदा, बच्चे बच्चे हुंदे ने। असीं आल नहीं दिखे वोट, सानू बख्शिश कर दे सच्चा पातशाह। इस विसाखी पर जिहड़ा हुण तक तू वाढी लाई है, कलयुग ने कलयुग कहिंदा मेरा फसल मानव जाति नजरी आई है, बड़ा खुश हो रहा है, लोग फसल बढ़ते ने, मैं बंदे बढ़ने ने। परमात्मा बस कर, हुण मेरे ख्याल से तेरी सानू सज़ा काफ़ी वड्डी हो गई है। और असीं चाहते हैं ये मालिक ये तू मेहर करी, तरस करी, सारे संसार दे कर दे, सारी दुनिया दे कर दे। हुण सानू पता लग गया है कि तू पीरां दा पीर ही, तू बादशाह दा बादशाह ही, तू पैगंबरां दा पैगंबर ही, तू शेरां दा शेर ही। और असीं तेरे चरणां विच शीश नवाने आ, माफ़ियाँ मंगने आ। सारे धर्मां वाले सारे मंगो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बोधी पारसी, छड्डो ये झगड़े हुण मंदिरां मस्जिदां गुरुद्वारियां चर्चां दे। होर गुरुद्वारे बना के क्या करने ने, पहले ने साडा क्या सवार दिता है। जिन्ने अं फुला मुला भाई पंडित बना गए, उन्ने ही ज़्यादा सानू लुटनगे, उन्ने ही सानू गुमराह करनगे। अपने आप नू सुधार लो और अपने आप नू उस परमात्मा के चरणों में छड़ दिओ। वीरो अज वक्त है, आओ सारा संसार बेनती करके उहदे चरणों में माफिया मंगीए, उहदे कोलों दया मंगीए। वो कर दे तां उहदी मेहर है, उहदी एक मेहर की नज़र एक दिन विच सारे संसार नूं शांत कर देगी। और एक उहदी नज़र अगर नज़र सवली नहीं है तो फिर सारिआं दा सफाया भी कर देगा। वो वीरो वो करन करावन हार है, वो मालिक है, उहदे अगे कोई आड़ नहीं सकता। वो आद जुगाद सच है और उन्हें जो करना है। हाँ भगतां दी किते किते सुन जरूर लैंदा है, मेहर करदा है, कहिंदा अगर पंज भगत बेनती करन तां वी मंजूर करदा है। असीं तां इस वेलै पंज अरब बेनती कर रहे हैं, ये मालिक
मैं 5 अरबी की तरफों बोल दिता, पर पता नहीं 5 भी कर रहे थे कि नहीं। वो भी महाराज ने कहा जे तेरे अगे बेनती की थी तुसी कर दिती, उन्हें नहीं मनी तो मक्कू तुहाडा ठप होना है। इस करके मालिक मैं अपनी बेनती कर रहा कला कि मालिक बख्शिश मेर दया तरस कर दे, सारिया का नहीं कोई पता करनी है किसी ने नहीं, ये नहीं पता। परिवार वाले भी अगेंस्ट ही होंगे ने, भगतों के सारे विरुद्ध ही होंगे ने, सारे धक्के मारते हैं, मनता कोई नहीं है। हूँ वो को मनाने वास्ते एक 7 रंग का डंडा रख लिया उन्हें, वो 7 दीपा वास्ते उन्हें डंडा चलाना है। वो को सांगा भी है एक, अजा वो इस्तेमाल नहीं किया, वो लत्तों में फसा गया, वो भी सड़ता है। 7 रंग का निशान साहब भी है जेने सारे संसार की बख्शिश किया है, 24 ग्रंथ बख्शिश किए ने, जोड़ा सतयुग का विधान है। वीरो वैबसाइट खोलो, सारे घर वेले बैठे पढ़ो, हिंदी उर्दू तो पंजाबी है, वैबसाइट छोटा जहा है ने कलंक हर शब्द .com ने छोटा एन पाना एक अट्ठा ही ने कलंक हर शब्द .com। फिर भी अगर किसी ने कोई ऐसा किस्म की सेवा होवे तो वीरो बड़ी खुशी नाल 24 घंटे जिले मर्जी रिंग करो। मेरा नंबर है 9419727313। एक नवानी जी आत्मा एक दास बेनती करता है कि मालिक इस विसाखी तो बाद हूँ सानू विसाखी बनाने दे खुशियां नाल, मेहर कर दे, दया कर दे। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय।